गुलाबपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर ने पिछले दिनों नगर पालिका कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चल रहे शिविर में पहुंचकर न केवल अधिकारियों की कुर्सी पर कब्जा जमाया बल्कि अधिकारियों से गाली गलौज करते हुए सरेआम रगड़ कर रख देने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुर्जर की धमकी के बाद अधिकारियों में घबराहट है क्योंकि गुर्जर पूर्व में भी अधिकारियों को पिटवा चुके हैं तथा स्वायत्त शासन विभाग और पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जानकारी के अनुसार शिविर में नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी सोम प्रकाश मिश्रा, एएन सुखदेव पटेल तथा जेएन मुकेश शर्मा सहित कई कर्मचारी और पार्षद तथा शिविर में आए लोग मौजूद थे। धनराज गुर्जर पालिका अधिकारियों में कर्मचारियों से नियम विरुद्ध काम कराना चाहते थे और दबाव बनाते हुए अधिकारियों को गंदी गालियां दी और अपशब्द कहे, रगड़ कर रखने की और नौकरी खा जाने की धमकी दी। गत वर्ष हुए पालिका चुनाव में धनराज गुर्जर वार्ड नंबर 11 से भाजपा के प्रत्याशी थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों को बंधक बनाकर दबाव बनाया और निर्विरोध पार्षद बन गए, परंतु पुलिस प्रशासन और सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में धनराज गुर्जर ने कई अनियमित कार्य किए जिनकी चर्चा पूरे गुलाबपुरा में दबी जुबान से की जाती है। फर्जी पट्टा प्रकरण में उनको दोषी भी माना जा चुका है, परंतु स्वायत्त शासन विभाग मामले की फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गया है। इस घटनाक्रम में भी धनराज गुर्जर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ है। तुम केंद्र लगाते हो 1 से 10 तक का, कितने वार्ड में काम कराया तुमने? अरे 1 से 10 के 10 वार्ड आते हैं, कितने वार्ड में काम करवाया उससे? गलत कमी निकाल देना, नौकरी खा दूंगा, याद रख लेना। और रगड़ के रख दो।